Good morning, students. Welcomes you in physics classes. I am Joginder Yadav. As a faculty of physics at Suraj School, Rewari. Today we will discuss about 11th class physics and unit number 1st. That is physical world and मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट है आपका ये यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म आता है व्हाट इज साइंस. साइंस क्या होता है? द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस. साइंस होता क्या है? बेसिकली जो हमने नॉलेज गेन किया है कहाँ से गेन किया है? ऑब्जर्वेशन से गेन किया गया है और हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. तो उनके बेसिस पे जो भी हमने नॉलेज गेन किया है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अगर हम उनको अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज करते हैं? सिस्टमेटिकली. तो उसको क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है. बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो भी नॉलेज हमने गेन किया है उसको हम अगर हम सिस्टमेटिकली एक तरीके से अगर हम अरेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका साइंस बन जाता है. बेसिकली साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. साइंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल, सेकेंड वन इज़ द बायोलॉजिकल. फिजिकल साइंस क्या होगा? इट इज़ नॉन एज नॉन लिविंग थिंग्स. फिजिकली साइंस बेसिकली वो साइंस है जिसके अंदर आपके नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे. जैसे आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गया. इसके अंदर जो भी हम स्टडी करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल साइंस. पॉइंट क्लियर है? फिजिकली साइंस क्या होगा जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गया. दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस. अनदर इज़ द बायोलॉजिकल साइंस. इट इज़ नॉन एज द लिविंग थिंग्स. इसके अंदर आपके लिविंग थिंग्स आएंगे और जिसके अंदर जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, जियोलॉजी आ गया एक्सेट्रा. ये किसके अंदर आएंगे? आपका बायोलॉजिकली साइंस के अंदर आएंगे. सो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, मतलब टू डिग्री में इनको डिवाइड किया गया है साइंस को. एक फिजिकली साइंस है, दूसरा आपके पास बायोलॉजिकल साइंस है. फिजिकल साइंस में आपका नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी आ गया. बायोलॉजिकली साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स आएंगे जैसे आपका बायोलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, जियोलॉजी आ गया एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं फिजिक्स क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसके बारे में स्टडी करना है? फिजिक्स के बारे में स्टडी करना है. सो व्हाट इज़ फिजिक्स? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. जिसके अंदर हम नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे. दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नॉन एज फिजिक्स. उसको क्या बोलते हैं? हम फिजिक्स बोलते हैं, जो कि आपका ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके पास, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स. जो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे लेकिन थोड़ा आगे. सो इट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट. ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है किसका? ऑफ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. दोबारा से रिपीट करो, इट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट. ये एप्लीकेशन पार्ट है किसका? बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स. जो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स है उनका जो एप्लीकेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं. एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगा या इम्प्रूव होगा सोसाइटी ऑल्सो गेट डेवलप्ड.
जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा, डेवलप्ड होगा, उसके साथ साथ सोसाइटी भी क्या होगी आपकी, डेवलप्ड होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट टर्मोलॉजी यहाँ पे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। फोर्स होता क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। ये आपका पुश हो सकता है और पुल हो सकता है। विच चेंजेस, जो चेंज करेगा, और ट्राइज टू चेंज, या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा द स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। फोर्स आपका पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। हम यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पार्ट के बेसिक टर्म्स थे, जिसके अंदर आपका साइंस हो गया। साइंस क्या है? द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली, उसको साइंस कहा गया। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स आएंगे। फिजिक्स क्या है? बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर एंड इट्स नेचुरल, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। एज टेक्नोलॉजी डेवलप द सोसाइटी डेवलप होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किसके बारे में स्टडी किया? फोर्स। फोर्स इट इज़ द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल टू चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस। थैंक यू।